दोस्तों सीबीएसई क्लास 10 का जो टर्म का रिजल्ट आया है, कुछ बच्चों का जो है स्कोर के मामले में कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा स्कोर आया है, वो हमारे जिस तरह से हमने एग्ज़ाम दिया था, जो हमारी जो हमको लग रहा था कि हमारा जो है नंबर अच्छा आएगा, लेकिन जो है एग्ज़ाम देने के बाद जो हमारा नंबर आया वो कम आया है। इस तरह के दोस्तों अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो सीबीएसई ने दोस्तों रिवॉल्यूशन के लिए जो है अप्लाई करने के लिए जो है ये बात रख दी है कि जो है किस तरह से जो है आप जाकर के सीबीएसई पर जो है अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी जो है कॉपी के लिए यानी अपनी जो आपकी जो मार्क्स हैं उसका रिवॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो दोस्तों जैसा कि देखिए इस तरह का फॉर्म होगा, आप सीबीएसई पे जाएंगे तो इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है, रिवॉल्यूशन या री वेरिफिकेशन रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखिए इंटर रोल नंबर करना होगा, इंटर स्कूल नंबर करना होगा, इंटर सेंटर नंबर करना होगा, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड जो है उसकी आईडी इंटर करनी होगी। इन चारों चीज़ के इंटर करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, और सबमिट करने के बाद दोस्तों आप अपनी जो है अपनी बात को जो है सीबीएसई तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज़ रिलीज्ड टर्म वन क्लास 10 रिजल्ट 2021/22 ऑफलाइन, ठीक है, यानी आपके स्कूलों को भेज दिया गया, अब मेल कर दिया गया आपके रिजल्ट को क्लास 10 के टर्म वन को, एंड इट इज़ अबाउट टू रिलीज सीबीएसई क्लास 12 टर्म वन रिजल्ट 2022 वेरी सून आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, ठीक है दोस्तों। और टर्म वन का जो क्लास 12 का रिजल्ट है वो भी जल्द से जल्द आने की उम्मीद है, ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आ जाएगी। सिंस सम स्टूडेंट्स वर फाइंडिंग विद द करेक्शन एंड आंसर्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है ये प्रॉब्लम है कि जो है हमारा सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में नंबर कम है, ठीक है, करेक्शन का मामला आ रहा है। तो सीबीएसई हैज रिलीज्ड द रिवॉल्यूशन मैकेनिज्म फॉर सीबीएसई टर्म वन रिजल्ट 2022 ऑन cbc.gov.in, ठीक है दोस्तों, cbc.gov.in पर आपको जो है ये मिल जाएगा, cbc.gov.in पर वहां पे आप जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। टेक अ लुक एट द प्रोसेस टू रिवॉल्यूएट द रिजल्ट बिलो, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि आप यहाँ पे देखिए जो है सीबीएसई ऑनलाइन डिस्प्यूट रेड्रेसल, ठीक है, तो सीबीएसई इशूड ऑन इफ ऑफिशियल नोटिस विच स्टेटेड, ठीक है, दैट देर वॉज एन ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म दैट इज अवेलेबल टिल मार्च 26/2022। और दोस्तों 26 मार्च 2022 तक जिन बच्चों को ये बात अपनी रखनी है सीबीएसई के सामने, वो 26 मार्च 2022 तक अपनी बात को रख लें, ठीक है, तभी तक रख सकते हैं और उसके बाद नहीं होगा मान, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव बीन रिपोर्टिंग द इशूज सिंस द रिलीज ऑफ दिस नोटिस, ठीक है दोस्तों, ये 26 मार्च के पहले पहले आपको जो है अपने फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है। द प्रोसेस फॉर द रिवॉल्यूशन इज स्टार्ट स्टेटेड बिलो, ठीक है, और सीबीएसई उम्मीद है कि आपकी बात को मानेगा और सारा काम करेगा। तो दोस्तों कोई भी आपको अगर जानकारी हो, जानकारी जरूरत हो, आप जरूर से कमेंट करें, मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि आप cbc.gov.in पर जाएंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और फॉर्म कैसा रहेगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का, इंटर रोल नंबर, इंटर स्कूल नंबर, इंटर सेंटर नंबर, इंटर एडमिट कार्ड आईडी, आपके इतना डालने के बाद सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों, और आपको जब फिल कर देंगे तो आपका बात मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीका है जो आप कर सकते हैं और अपने जो है जो नंबर्स कम आए जिन सब्जेक्ट में, आप वहाँ पर जाकर इसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी अगर कोई जानकारी होगी तो आप जानकारी को देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।